राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का श्रवण जन्मदिन अद्वितीय तरीके से मनाया गया। समर्थकों ने इसे गौ सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाकर समाज सेवा का संदेश दिया। झालावाड़ की श्री कृष्ण गौशाला में इंद्र स्मार्ट गायों को 56 भोग परोसा गया। गायों के लिए हेप्सीसेस प्रकार की खाद्य सामग्री तैयार की गई। इसमें ड्राई फ्रूट, फल और सब्जियां शामिल थीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों ने मिलकर इस विशेष आयोजन में भाग लिया। अपने हाथों से भोग खिलाने के लिए थालियां सजाई गईं। पायलट की दीर्घायु और सफलता के लिए पारंपरिक गीत गाए। महिलाओं ने नृत्य कर जन्मदिन समारोह में उत्साह और ऊर्जा भरे आयोजन में भक्ति और सेवा का माहौल देखने को मिला। सचिन पायलट के प्रति लोगों की आस्था और समर्थन का भाव स्पष्ट झलका। गायों के साथ इस आयोजन ने पर्यावरण और समाज सेवा के संदेश को उजागर किया। पूरे आयोजन में पायलट की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गौ सेवा के माध्यम से पायलट के नेतृत्व और समाज सेवा को बल मिला। यह अनोखा आयोजन पायलट के जन्मदिन को खास और यादगार बना गया। पायलट के समर्थकों के लिए यह गौ सेवा का अवसर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संदेश भी बना। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का श्रवण जन्मदिन अद्वितीय तरीके से मनाया गया। समर्थकों ने इसे गौ सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाकर समाज सेवा का संदेश दिया। झालावाड़ की श्री कृष्ण गौशाला में इंद्र स्मार्ट गायों को 56 भोग परोसा गया। गायों के लिए हेप्सीसेस प्रकार की खाद्य सामग्री तैयार की गई। इसमें ड्राई फ्रूट, फल और सब्जियां शामिल थीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों ने मिलकर इस विशेष आयोजन में भाग लिया। अपने हाथों से भोग खिलाने के लिए थालियां सजाई गईं। पायलट की दीर्घायु और सफलता के लिए पारंपरिक गीत गाए। महिलाओं ने नृत्य कर जन्मदिन समारोह में उत्साह और ऊर्जा भरे आयोजन में भक्ति और सेवा का माहौल देखने को मिला। सचिन पायलट के प्रति लोगों की आस्था और समर्थन का भाव स्पष्ट झलका। गायों के साथ इस आयोजन ने पर्यावरण और समाज सेवा के संदेश को उजागर किया। पूरे आयोजन में पायलट की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गौ सेवा के माध्यम से पायलट के नेतृत्व और समाज सेवा को बल मिला। यह अनोखा आयोजन पायलट के जन्मदिन को खास और यादगार बना गया। पायलट के समर्थकों के लिए यह गौ सेवा का अवसर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संदेश भी बना। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का श्रवण जन्मदिन अद्वितीय तरीके से मनाया गया। समर्थकों ने इसे गौ सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाकर समाज सेवा का संदेश दिया। झालावाड़ की श्री कृष्ण गौशाला में इंद्र स्मार्ट गायों को 56 भोग परोसा गया। गायों के लिए हेप्सीसेस प्रकार की खाद्य सामग्री तैयार की गई। इसमें ड्राई फ्रूट, फल और सब्जियां शामिल थीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों ने मिलकर इस विशेष आयोजन में भाग लिया। अपने हाथों से भोग खिलाने के लिए थालियां सजाई गईं। पायलट की दीर्घायु और सफलता के लिए पारंपरिक गीत गाए। महिलाओं ने नृत्य कर जन्मदिन समारोह में उत्साह और ऊर्जा भरे आयोजन में भक्ति और सेवा का माहौल देखने को मिला। सचिन पायलट के प्रति लोगों की आस्था और समर्थन का भाव स्पष्ट झलका। गायों के साथ इस आयोजन ने पर्यावरण और समाज सेवा के संदेश को उजागर किया। पूरे आयोजन में पायलट की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गौ सेवा के माध्यम से पायलट के नेतृत्व और समाज सेवा को बल मिला। यह अनोखा आयोजन पायलट के जन्मदिन को खास और यादगार बना गया। पायलट के समर्थकों के लिए यह गौ सेवा का अवसर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संदेश भी बना।